हेलो स्टूडेंट्स आज हम साइकस पार्ट टू में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अगर किसी भी प्लांट पार्ट की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है तो हम उसके टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन को स्टडी करते हैं आइए सबसे पहले हम बात करते हैं टीएस ऑफ नॉर्मल रूट साइकस एक पेड़ है ये जड़ तना और पत्ती में विभाजित होता है सबसे पहले हम इसकी नॉर्मल रूट के ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट के माध्यम से इसकी आंतरिक संरचना और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं एपिब्लेमा इट इज रपचर्ड एंड लैक्स रूट हेयर्स स्टूडेंट्स किसी भी रूट के ट्रांसफर सेक्शन के सबसे बाहर की लेयर को हम एपिब्लेमा कहते हैं साइकस का जो यंग रूट है उसके अंदर एपिब्लेमा एक कंटिन्यूस सिंगल लेयर के रूप में मौजूद होती है क्योंकि साइकस एक बहुत बड़ा और बहुवर्षीय पेड़ है तो इसकी जो नॉर्मल ओल्ड रूट होती है उसमें एपिब्लेमा जो सबसे बाहर की परत है वो रप्चर हो जाती है मीन्स जगह जगह से टूट जाती है क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है एंड इट लैक्स रूट हेयर्स और इसमें रूट हेयर भी एबसेंट होते हैं जो कि अदरवाइज अगर हम किसी भी नॉर्मल रूट का स्ट्रक्चर पढ़ें तो उसमें सबसे बाहर की जो लेयर है वो एपीब्लेमा राउंड होगी सिंगल लेयर्ड होगी और उसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमारे साइकल्स की ओल्ड रूट में एपिब्लेमा जगह जगह से रबचर्ड है और साथ ही साथ इसके अंदर रूट हेयर्स का भी अभाव है बिलो द एपिब्लेमा इज प्रेजेंट मल्टीलेयर्ड कॉर्क फॉलोड बाय कॉर्क कैम्बियम एंड मैनीयर्ड पैरनकैमेटस कॉर्टेक्स अब जो सबसे बाहर एपिब्लेमा है उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से कॉर्क प्रेजेंट होती है और ये कॉर्क मल्टीलेयर्ड होती है और उसमें कॉर्क कैम्बियम भी मौजूद होती है कॉर्क कैम्बियम के अंदर की तरफ पैरन कैमेटस कॉर्टेक्स एक बहुत ही चौड़े और ब्रॉड क्षेत्र के रूप में हम देख सकते हैं एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल आर सेम एज इन यंग एंड नॉर्मल रूट नॉर्मली कॉर्टेक्स के बाद में किसी भी रूट के ट्रांसफर्स सेक्शन में एंडोडर्मिस की एक सिंगल लेयर मौजूद होती है और उसके अंदर दो या तीन परतीय पेरीसाइकिल की कोशिकाएं मौजूद होती हैं तो हमारे जो ओल्ड रूट है उसमें भी नॉर्मल रूट की तरह ही एंडोडर्मिस और पेरीसाइकल की जो लेयर्स हैं वो मौजूद होती हैं कैम्बियम कट्स सेकेंडरी फ्लोएम टूवर्ड्स

और यहाँ पर जो आ, टी एस है उसके अंदर हम वैस्कुलर रेज भी देख सकते हैं आउटसाइड द सेकेंडरी फ्लोएम मे ऑल्सो प्रेजेंट अ लेयर ऑफ क्रश्ड प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम से पहले जो प्राइमरी फ्लोएम है वो यहाँ पर ओल्ड रूट में क्रश्ड हो जाता है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो प्राइमरी फ्लोएम का स्थान ले लेता है और प्राइमरी फ्लोएम जगह जगह से टूट जाता है और क्रश्ड फॉर्म में हमें ओल्ड रूट्स के अंदर दिखाई देता है द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज अ रिंग लाइक थिकनिंग ऑफ सर्टन पार्ट्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स किसी भी नॉर्मल रूट में एंडोडर्मिस की जो लेयर है उसके अंदर कैस्पेरियन बैंड्स या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं ये एक तरह की थिकनिंग है जो कि सुबेरिन या लिगनिन की बनी हुई होती है विच फोर्सेस वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स टू पास थ्रू द सेमी परमीएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी सेल्स रादर देन देयर सेल वॉल्स और चूंकि हम रूट के ट्रांसफर सेक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो रूट्स जो भी पानी और मिनरल्स uh, एब्जॉर्व करते हैं सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर इनके थ्रू एंडोडर्मल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऊपर की और ग्रो करता है या ऊपर की और ट्रांसपोर्ट होता है ये इस डायग्राम में हम एक नॉर्मल रूट का टीएस देख सकते हैं सबसे बाहर की ओर एपिब्लेमा है जो कि क्रस्ड है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और सेकेंडरी ग्रोथ में की वजह से सेलुलर जो प्रेशर है वो एपिब्लेमा पर इतना ज़्यादा होता है कि एपिब्लेमा जगह जगह से टूट जाती है और रपचर्ड फॉर्म में हमें दिखाई देती है इसके बाद पैरनक्राइमेटस कॉटक्स कॉटेक्स का एक बहुत ही ब्रॉड एरिया हम देख सकते हैं इसके अंदर टेनिन सेल मौजूद होती है जो कि हमारे जिम्नोस्पॉर्मिक प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके चाहे रूट हो चाहे स्टेम या लीव्स सभी में टेनिन सेल्स और रेजिन डक्ट्स मौजूद होती हैं कॉर्क जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के परिणाम स्वरूप बनती है और कॉर्क कैम्बियम भी हम ओल्ड रूट में देख सकते हैं कॉर्टेक्स के जस्ट बाद या जस्ट अंदर की तरफ एक परतीय एंटोडोमिस की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है जो कि सुबेरिन या लिग्निन की बनी हुई होती है एंटोडर्मिस के अंदर की तरफ तीन चार परतीय पेरीसाइकल मौजूद होती है यहाँ पर अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो प्राइमरी फ्लोयम और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों ही दिखाई देते हैं प्राइमरी फ्लोएम ओल्ड रूट में क्रस्ड या रपचर्ड फॉर्म में होता है और सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम के बीच में कैम्बियम की कोशिकाएं मौजूद होती हैं और मेडुलरी रेस भी हम ओल्ड रूट के ट्रांसवर्स सेक्शन में देख सकते हैं सेंटर में पिथ की कुछ पैरेंकैमेटस सेल्स मौजूद होती हैं और इस पिथ में भी टैनिन सेल्स मौजूद होती हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों ही हमारे साइकल्स की ओल्ड रूट में हम देख सकते हैं तो इस तरीके से हमारा जो साइकल्स की ओल्ड रूट और यंग रूट लगभग नॉर्मल रूट की तरह ही होती है बस ओल्ड रूट में सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से एपीब्लेमा रपचर्ड फॉर्म में होती है कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम हम देख सकते हैं साथ ही साथ एक जो सेकेंडरी फ्लोयम और सेकेंडरी जाइलम भी बहुत अधिक मात्रा में हमारे ओल्ड रूट्स में प्रेजेंट होता है साइकल्स में दो तरह की रूट्स पाई जाती हैं नॉर्मल रूट और कॉरेलॉइड रूट अब हम बात करते हैं कॉरेलॉइड रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम एक कॉरेलॉइड रूट का ट्रांसफर्स सेक्शन देखें तो इट इज सिमिलर इन मेनी आस्पेक्ट्स टू द नॉर्मल रूट एक्सेप्ट अ फ्यू फॉलोइंग डिफरेंसेस कॉरोलोइड रूट और नॉर्मल रूट लगभग एक जैसे ही होती है बस उसके अंदर कुछ एक डिफ्रेंसेस होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं इट इज़ सर्कुलर इन आउटलाइन एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज़ एपीब्लेमा ये बिल्कुल नॉर्मल रूट का फीचर है कि हमारी जो जो टी एस है कॉरट रूट का वो सर्कुलर होता है और सबसे बाहर की परत को हम एपीब्लेमा कहते हैं बट एट मेचोरिटी कॉर्क एज वेल एज कॉर्क कैम्बियम डेवलप्स रूट हेयर्स आर नॉर्मली एबसेंट और यहाँ पर कॉरलड रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है इसी वजह से कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क हमारे कॉरलर रूट में भी प्रेजेंट होती है और यहाँ पर भी नॉर्मल हमारे ओल्ड रूट की तरह रूट हेयर्स एबसेंट होते हैं कॉर्टेक्स इज parenchymatous and divisible into outer cortex and inner cortex having a middle algal zone yahan par cortex normal root se hatkar hai wahan par cortex एक जैसी पेरेंकाइमेटस cells का बना हुआ था लेकिन यहाँ पर हम cortex की three layers देख सकते हैं एक outer cortex और एक इनर कॉर्टेक्स और इन दोनों के बीच में एक मिडिल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एलगी उपस्थित होती है ये हमारे कॉरल रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है मिडिल कॉर्टेक्स उसके अंदर एल्गल जोन पाया जाता है फॉलोविंग एल्गी एंड बैक्टीरिया हैव बिन रिपोर्टेड फ्रॉम एल्वल जोन अब जो मिडल uh, कॉटैक्स है उसमें uh, कई uh, जो हमारी एल्गी हैं वो प्रेजेंट होती हैं जैसे नॉस्टॉक पक्टिफोर्मी एनाबीना साइकेडी ऑसीिलिटोरिया एंड मेंबर्स ऑफ बेसिले बेसिलेरियोफाइसी के जो मेम्बर्स हैं जैसे कि डाइटम्स साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जैसे कि स्यूडोमोनास और एजिडोबैक्टर ये सारे के सारे एल्गी और बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीवन में हमारे साइकल्स की कोरलोइड रूट के अंदर मौजूद होते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं डिटेल्स ऑफ एंडोडर्मिस पेरीसाइकल एंड वेस्कुलर बंडल्स आर सेम एज इन नॉर्मल रूट और बाकी की जो हमारे आ, रूट के पार्ट्स हैं जैसा कि एंडोडमिस्ट पेरीसाइकल या वेस्कुलर बंडल्स बिल्कुल नॉर्मल रूट की तरह ही हमारे कोरोलॉयड रूट में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली द सेकेंडरी ग्रोथ इज़ एब्सेंट और हमारे जो कॉरोलॉयड रूट है ज़्यादातर इसके अंदर द्वितीय वृद्धि अनुपस्थित होती है तो हमारे जो साइकल्स की कोरोलॉइड रूट है उसके अंदर स्पेशलिटी uh, या जो खासियत है जो कि नॉर्मल रूट से हटकर है वो है एल्गल जोन और इसमें इस तरीके के बहुत सारे एल्गी और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि इसके साथ सिमबायोटिक एसोसिएशन या सहजीवन में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं अगर हम एक कॉरोलाइड रूट का टी एस या ट्रांसफर सेक्शन देखें तो आउटलाइन डायग्राम इस तरीके का दिखाई देगा जिसमें सबसे बाहर की ओर एक सिंगल लेयर्ड पैरिडर्म आउटर कॉर्टेक्स बीच में एल्गल जोन है जिसे हम मिडिल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं इनर कॉर्टेक्स और एक सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं इसके बाद टू और थ्री लेयर्ड पेरीसाइकिल की कोशिकाएं मौजूद होती हैं और जाइलम और फ्लोयम ये हम इसके अंदर देख सकते हैं हमारे कॉर्ड रोड के टीएस में अगर हम सेलुलर डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से ये सारी लेयर्स हमें ऐसी दिखाई देंगी एपिडर्मिस या एपिब्लेमा आउटर कॉर्टेक्स यहाँ पर टेनिन की सेल्स मौजूद हैं जो कि हमारे जिम्नोस्पर्म्स के किसी भी रूट स्टेमिया लीव्स के अंदर मौजूद होती हैं मिडिल कॉर्टेक्स यहाँ पर हम एलगी और बैक्टीरिया देख सकते हैं और इनर कॉर्टेक्स जो कि नॉर्मल कॉर्टेक्स की तरह ही पैरनकामेटस सेल्स या मृद्यु की कोशिकाओं का बना हुआ होता है जिसमें म्यूसिलेज डक्ट और टेनिन सेल्स मौजूद होती हैं अब हमारे जो स्टील है इसके अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम है उसके सबसे बाहर की परत एंडोडर्मिस इसके अंदर ज़ाइलम और फ्लूयम के पैचेस हम देख सकते हैं साथ ही साथ सेंटर में पिथ या पैरनकाइमेटस मज्जा मौजूद होती है अब हम बात करते हैं पीएस ऑफ स्टेम के बारे में साइकल्स एक बहुत बड़ा ट्री है और बहुवर्षीय है इसकी यंग स्टेम और ओल्ड स्टेम में कुछ डिफ्रेंसेस होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यंग स्टेम के आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर की इट इज़ वेवी और इरेगुलर इन आउटलाइन सबसे बाहर की जो लेयर है वो वेवी होगी मीन्स स्टेम जो है वो एक सर्कल के रूप में नहीं होता है जबकि बाहर की जो लेयर है वो वेवी होती है और इरेगुलर शो होता है जब हम एक स्टेम का टीएस एस काटते हैं आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस विच कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थिक वॉल्ड सेल्स चूंकि हमारा साइकस एक जीरोफिटिक प्लांट है इसके सबसे बाहर की जो एपिडर्मिस है वो थिक वॉल्ड होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट लीफ बेसिस एंड वुडी स्केल्स द एपिडर्मिस इज इरेगुलर एंड समटाइम्स नॉट वेरी क्लियर जैसा कि हमने साइकस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वाले लेक्चर में पढ़ा था कि साइकस में पत्तियां सबसे ऊपर की ओर सर्पिलाकार क्रम में अरेंज होती हैं और जैसे जैसे हमारा साइकस ग्रो करता है स्टेम में वृद्धि होती है पुरानी पत्तियाँ जब झड़ती हैं तो उनके जो लीफ बेसिस हैं वो एक स्कार के रूप में हमारे स्टेम पर लगे रहते हैं तो ये जो वुडी स्केल्स और लीफ बेसिस हैं वो हमारे स्टेम के बाहर के सरफेस पर जब लगे हुए होते हैं तो एपिडर्मिस इरेगुलर होती है और कई बार क्लियर नहीं होती है कि ये एपिडर्मिस है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बत्तियाँ एक सर्पिलाकार क्रम में लगी हुई हैं स्टेम के चारों ओर लगी हुई हैं तो इस तरीके की स्कार्स हमारे तने या स्टेम के चारों तरफ मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इसकी आउटलाइन इरेगुलर हो जाती है कॉर्टेक्स इज वेरी लार्ज पैरनकामिटर्स एंड कंटेन्स मैनी गर्डल ट्रेसेज एंड म्यूसिलेजिनस ड हमारे साइकल्स के स्टेम में पत्तियाँ सर्फिलाकार क्रम में लगी रहती हैं मीन्स स्टेम के एक ही तरफ चारों तरफ से पत्तियाँ निकली हुई होंगी और इन पत्तियों पर जो वेस्कुलर सप्लाई जाती है वो हमारे लीव ट्रेसिस की वजह से जाती हैं तो जब हम स्टेम का सेक्शन काटते हैं तो जो कॉर्टेक्स वाला रीज़न है इसमें बहुत सारे गर्डल ट्रेसेस और लीव ट्रेसेस हमें दिखाई देते हैं साथ ही साथ म्यूसिलेजिनस डक्ट्स और टेनिन सेल्स भी हमारे साइकस के स्टेम के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं ईच म्यूसिलेजिनस डक्ट रिमेन्स बाउंडेड बाय मैनी एपिथीलियल सेल और सिक्रटरी सेल्स और जो म्यूसिलेजिनस डक्ट्स हैं उसके अंदर बहुत सारी सिक्रिटरी सेल्स होती हैं और ये एपिथेलियल सेल्स के द्वारा कवर्ड होती है या बाउंड होती है एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकल आर नॉट वेरी क्लियर यहाँ पर कॉटेक्स और वेस्कुलर बंडल के बीच में जो एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल की लेयर होती है वो यहाँ पर हमारे साइकस के स्टेम में बहुत क्लियर नहीं होती है द वेस्कुलर सिलेंडर इज एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील एंड मैनी वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग और हमारा जो वेस्कुलर बंडल है वो एक्टोफ्लोइक प्रकार का होता है मीन्स फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और साइफनोस्टील है मीन्स सेंटर में पिथ या मज्जा मौजूद होती है और एक वेस्कुलर बंडल्स की रिंग हमारे साइकल्स के स्टेम के अंदर हम देख सकते हैं ईच वेस्कुलर बंडल इज़ कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन एंड एंडार्क मीन्स जाइलम और फ्लोएम एक ही वेस्कुलर बंडल में होते हैं और जाइलम अंदर की तरफ तथा फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और ओपन मीन्स इसके बीच में कैम्बियम उपस्थित होती है क्योंकि हमारे साइकस में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है और ये एंडार्क होते हैं जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिट्स एंड जायलम पेरनकायमा देर इज़ नो वैसल्स चूँकि जिम्नोसपम्स में वैसल्स का अभाव होता है इसी लिए हमारा जो साइकस है उसके स्टेम के वेस्कुलर बंडबल में अगर हम जायलम को स्टडी करें तो उसमें भी जायलम सिर्फ जायलम ट्रैकिट्स और जायलम पेरनकाइमा का बना हुआ होता है और कोई भी वैसल जायलम वैसल्स हमारे साइकस के स्टेम में नहीं होती आउटसाइड द जैलम इज़ द फ्लोम सिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम पेरनका और इसी तरीके से जो फ्लूएम है वो सीव ट्यूब्स यानी कि चाली नलिकाओं और जो हमारा फ्लोएम पेरनका है उसका बना हुआ होता है कंपेनियन सेल्स आर एबसेंट फ्लूएम में भी सहायक कोशिकाओं या कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है इन द सेंटर ऑफ द स्टेम इज प्रेजेंट पिथ चूंकि ये साइफनोस्टील है इसीलिए हमारे साइकल्स के स्टेम के वेस्कुलर बंडल में सेंटर में पैरनकाइमिटस पिथ या मज्जा मौजूद होती है और इस पिथ में भी बहुत सारे म्यूसिलेजिनस ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं तो हमारे साइकल्स का चाहे स्टेम हो रूट हो या लीव्स हो उसमें म्यूसिलेजिनस ड्रग्स और टेनिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये हम यंग स्टेम का टीएस देख सकते हैं इसके अंदर सबसे बाहर की तरफ आर्मर ऑफ लीफ बेसिस क्योंकि जैसे जैसे पत्तियां झड़ती हैं उनके जो स्कार्स हैं वो हमारे स्टेम पर लगे हुए रहते हैं उसके निशान रहते हैं तो ये जो आर्मर ऑफ लीफ बेसिस हैं वो हमारे स्टेम को रफ़ और इरेगुलर बनाते हैं इसके अंदर की तरफ कॉर्टेक्स मौजूद होती है कॉर्टेक्स के अंदर म्यूसिलेजिनस डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं साथ ही साथ गर्डल लीफ ट्रेसेस हम देख सकते हैं क्योंकि एक स्टेम में चारों तरफ से पत्तियां निकलती हैं और वेस्कुलर सप्लाई हमारे स्टेम से हर पत्ती को होती है और ये जो लीफ ट्रेसेस हैं ये या तो डायरेक्ट लीफ ट्रेसेस होते हैं या फिर गर्डल लीफ ट्रेसेस तो ये गर्डल लीफ ट्रेसेस हम हमारे जो साइकल्स का टीएस है स्टेम का उसके अंदर देख सकते हैं सेंटर में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है जिसमें जाइलम अंदर की ओर और, बा, और फ्लोएम बाहर की ओर प्रेजेंट होता है और सेंटर में पेरनकाइमेटस पिथ मौजूद होती है जिसके अंदर बहुत सारी म्यूसिलेजिनस डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं अब अगर हम बात करें पीएस ऑफ ओल्ड स्टेम की तो ओल्ड स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है और ये सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से एक थिक आउटर पेरिडर्म फॉलोड बाय अ लार्ज कॉर्टेक्स हैविंग मैनी लीफ ट्रेसेस एंड म्यूसिलिजिनस डक्ट्स आर प्रेजेंट इन द ओल्ड स्टेम तो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बाहर की ओर एक थिक पेरिडर्म मौजूद होगी और Uh, जो हमारा कॉर्टेक्स है वो परनकाइमेटिस है और यंग स्टेम की तरह ही इसके अंदर भी बहुत सारे गर्डल शेप्ड लीफ ट्रेसिस हम देख सकते हैं और कॉर्टेक्स में म्यूसिलेजिनस डक्ट्स भी ओल्ड स्टेम में भी प्रेजेंट होती है वेस्कुलर स्ट्रेंथ्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स मेडुलरी रेज आर ऑल्सो कॉमन यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल हैं वो रिंग्स में मौजूद होते हैं यंग स्टेम में हमने देखा था कि वेस्कुलर बंडल की एक सिंगल रिंग सेंटर में मौजूद थी पिथ के जस्ट बाद में लेकिन यहाँ पर चूंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है इसीलिए बहुत सारी जो वेस्कुलर बंडल्स के रिंग्स हैं वो हम हमारे ओल्ड स्टेम में देख सकते हैं द नंबर ऑफ वेस्कुलर रिंग्स इज वेरिएबल फ्रॉम टू टू फोर्टीन इन डिफरेंट स्पीशीज दस शोइंग पॉलीजाइलिक कंडीशन अब यहाँ पर ज़ाइलम की बहुत सारी रिंग है इसीलिए इसे हम पॉलीजाइलिक कंडीशन कहते हैं अदर डिटेल्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द यंग स्टेम और बाकी की जो भी हमारे पार्ट हैं स्टेम के वो यंग स्टेम की तरह ही हैं मीन्स ओल्ड स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से पॉलीजाइलिक कंडीशन देखने को मिलती है एक से ज्यादा वेस्कुलर बंडल्स की रिंग प्रेजेंट होती है और बाहर की तरफ एक थिक आउटर पेरिडर्म मौजूद होती है सो स्टेम शोस इररेगुलर आउटलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीफ बेसिस अगर हम साइकस के स्टेम की टियर्स या अनुप्रस्थ काट देखें तो सबसे बाहर की ओर जो आउटलाइन है वो इररेगुलर है वजह से क्योंकि इसके अंदर लीव बेसिस मौजूद होते हैं Therefore, epidermis is not a continuous layer. Epidermis के बाद जो कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है वो ब्रॉड होता है साथ ही साथ इसके अंदर गर्डल लीव ट्रेसेस मौजूद होती है जो कि सभी लीव्स को वेस्कुलर सप्लाई भेजती है न्यूमरस म्यूसिलेज कैनाल्स स्टार्श ग्रेन्स ऑल्सो प्रेजेंट और जिम्नोस्पम्स का जो हमारा कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर टेनिन सेल्स और म्यूसिलेजिनस डजेंट होती है वो कि वो हमारी साइकस के स्टेम में भी देखने को मिलती है नैरो जोन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू हैविंग ओपन एंड डार्क वेस्कुलर बंडल्स अरेंज इन रिंग एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय वाइड मेडुलरी रेज और वेस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ओपन एंड डार्क वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं मीन्स कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम एक साथ हैं जाइलम अंदर की और फ्लोयम बाहर की ओर है साथ ही साथ इसके अंदर जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की ओर मौजूद होता है और ये एक सिंगल रिंग में मौजूद होते हैं हमारे यंग स्टेम में और अगर हम ओल्ड स्टेम की बात करें तो एक से ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स की रिंग्स देखने को मिलती हैं और ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो मेडुलरी रेस द्वारा सेपरेटेड होते हैं इस हैविंग और, स्टार्च और में भी सेल्स के बीच बीच में म्यूसिल और स्टार्च ग्रेन्स और टेनिन सेल्स मौजूद होती हैं अभी हमने बात की कि स्टेम का जब हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो वहाँ पर गर्डल लीफ ट्रेसेस मौजूद होती हैं लीफ ट्रेसिज़ वेस्कुलर सप्लाई है जो कि स्टेम से लीव्स की ओर होती हैं तो जो स्टेम में वेस्कुलर सप्लाई आ रही है वो हमारे पत्तियों तक लीफ ट्रेसिस के माध्यम से पहुँचती हैं और ये जो लीफ ट्रेसेस हैं हमारे साइकस में दो प्रकार के होते हैं दीज आर वेस्कुलर सप्लाई टू द लीव फ्रॉम द स्टेम मीन्स लीव ट्रेसिस क्या चीज़ हुई स्टेम से लीव्स की और जो वेस्कुलर सप्लाई जा रही है उसको हम लीव ट्रेस कहते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ लीव ट्रेसेस इन साइक साइकल नोन एज डायरेक्ट एंड गर्डल शेप्ड लीव ट्रेसेस ये दो प्रकार के होते हैं एक डायरेक्ट लीव ट्रेसेस और दूसरा गर्डल लीफ ट्रेसेस ईच लीफ लिज रिसीव्स टू नॉर्मल एंड वन गर्डल शेप्ड लीव ट्रेस और हर जो पत्ती है हमारी चूँकि साइकिल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ये कुछ मीटर की भी हो सकती हैं तो ये जो पत्तियाँ हैं इनके अंदर जो वेस्कुलर सप्लाई जाती है वो लीव ट्रेसेस के माध्यम से जाती हैं एक लीफ में दो प्रकार की लीफ ट्रेसेस पहुंचती हैं पहला डायरेक्ट ट्रेस ये हम इस डायग्राम में देख सकते हैं दो डायरेक्ट ट्रेसेस हैं एक ये और एक ये इस प्रकार एक जो हमारा लीफ है अगर हम टी एस काटें और इसकी चारों ओर बहुत सारी पत्तियां लगी हुई हैं सर्पिलाकार क्रम में इन सभी को वेस्कुलर सप्लाई हमारे स्टेम की तरफ से भेजी जाती है तो एक तो दो डायरेक्ट ट्रेसेस जाते हैं और साथ ही साथ एक जो गर्डल शेप में आप देख रहे हैं इस तरीके से जो शेप है उसे हम गर्डल शेप कहते हैं ये देखिए ये ऐसे और फिर लीफ की ओर ये जो जा रही है इसको हम गर्डल शेप कहते हैं और ये जो गर्डल लीफ ट्रेस है इसके साथ साथ दो डायरेक्ट ट्रेसेस भी एक ही सिंगल लीफ में पहुंचते हैं मीन्स अगर ये हमारी लीफ है यहाँ पर दो सिंपल ट्रेसेस से सप्लाई जाएगी डायरेक्ट ट्रेसेस से और एक जाती है हमारे गर्डल लीफ ट्रेस से तो इस तरीके से हमारी तीन लीफ ट्रेसेस एक लीफ में सप्लाई भेजते हैं और स्टेम के चारों ओर सर्पिला क्रम में बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं अब चारों ओर लीफ ट्रेसेस और, और आ, ही प्रेजेंट होंगी इसीलिए जब हम स्टेम का टीएस काटते हैं तो बहुत सारी गर्डल लीफ ट्रेसेस हमें दिखाई देती है डायरेक्ट फ्रॉम द सेम साइड ऑफ ऑफर पंडल एंड एंटर इन टू द लीफ यहां पर जो डायरेक्ट ट्रेस है हम देख सकते हैं इस लीफ में जा रही है इसी साइड से निकली और सीधा हमारी लीफ को पहुंच गई जबकि गर्डल शेप वाली ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट होकर के लीफ तक पहुंचती हैं ये हम हमारे ओल्ड स्टेम का टी एस देख सकते हैं ये है इसका आउटलाइन डायग्राम और ये सेलुलर डायग्राम आउटलाइन डायग्राम में हम बहुत क्लियर सारे जो स्टेम के पार्ट्स हैं उनको देख सकते हैं सबसे सेंटर में पेरनकाइमेटर्स पिथ मौजूद होती है जिसके अंदर बहुत सारी म्यूसिलेजिनस कैनाल्स मौजूद होती हैं इसके बाद हमारे पास बहुत सारी जाइलम की रिंग और फ्लोएम की रिंग है हम देख सकते हैं वन टू थ्री ये एक सी ज़्यादा रिंग के रूप में वेस्कुलर बंडल्स हमारे मेच्योर या ओल्ड स्टेम में देखने को मिलते हैं इसी तरीके से जैलम के बाद फ्लोएम होता है तो फ्लोएम और जैलम की बहुत सारी जो रिंग्स हैं वो हमारे ओल्ड स्टेम में प्रेजेंट होती हैं साथ ही साथ गर्डल ट्रेसेस भी हम देख सकते हैं क्योंकि चारों और जो लीव्स लगी हैं सर्पिलाकार क्रम में उनको वेस्कुलर सप्लाई इन डायरेक्ट ट्रेसेस और गर्डल ट्रेसेस के माध्यम से पहुँचती हैं कॉर्टेक्स जो कि पैरेंटाटर सेल्स का बना होता है उसके बाहर की ओर पेरीडम मौजूद होती है और ये जो बाहर की ओर पैरिडर्म है वो भी कटी फटी और इरेगुलर होती है अगर हम सेलुलर डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट रिंग ऑफ ज़ाइलम, ज़ाइलम ऑफ फ्लोम की पैरेलल बहुत सारी रिंग्स हम देख सकते हैं और बीच बीच में कैम्बियम है जिसकी वजह से अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है तो इस तरीके से ओल्ड स्टेम हमारे साइकल्स का बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स मीन्स ज़ाइलम और फ्लोएम की रिंग्स का बना हुआ होता है सो so स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की कि हमारे साइकल्स में रूट की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है दो प्रकार की रूट्स होती हैं नॉर्मल रूट और कोरोलॉयड रूट दोनों की ही आंतरिक संरचना के बारे में आज हमने पढ़ा साथ ही साथ हमारे साइकस में जो यंग स्टेम और ओल्ड स्टेम है उसकी आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने पढ़ा और लीफ ट्रेसिस क्या हैं और किस तरीके से साइकस में लीव्स uh, में वेस्कुलर सप्लाई पहुंचती है ये सब भी आज के लेक्चर में हमने पढ़े सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर थैंक यू